पूरे इंडिया भर में जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट जब से आई है लगातार 10 साल से भी देख रहे हैं। फिलहाल को अभी एनडीए गवर्नमेंट जैसा शपथ लिए मोदी गवर्नमेंट, उसके बाद भी क्या है, मुसलमानों के ऊपर हर तरीके से जुल्म सितम किया जा रहा है। कभी यूपी तो कभी दिल्ली, कभी उत्तराखंड तो कभी हिमाचल प्रदेश, कभी कर्नाटक, कभी महाराष्ट्र, अलग 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 जगह पे किया जा रहा है। आज हमारा जो है हुबली धारवाड़ में नेशनल वाइड जो प्रोटेस्ट हो रहा था मॉब लिंचिंग के खिलाफ, हमें भी आज यहाँ पर कंडक्ट किए थे। यहाँ के डिपार्टमेंट वालों के बिना परमिशन नहीं होने की वजह से हम लोग क्या है यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं किए। मैं गुजारिश करना चाहूँगा डिपार्टमेंट से, आर्टिकल 19(1)(a) आर्टिकल 19(2)(b) में हमारा हक है, संविधान बद्ध आगे हमारा हक है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कि ना कि कोई भी हमारा रोक टोक नहीं है। तो अगर तुम्हारा परमिशन नहीं देना है तो मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो हमारा रिटर्न में दीजिए। आप रिटर्न में नहीं देंगे तो हम फिर से, ये एक बार नहीं, आज 22/7/2024 को जो हुआ है लगातार हम लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे अगर आप रिटर्न में नहीं देंगे या हमने क्लियरेंस नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग ये एक ही बार नहीं, हमारा लगातार क्या है हर महीना हमारा प्रोटेस्ट चलते रहता है। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो रिटर्न में तो देना है, अगर रिटर्न में नहीं देंगे तो हर दिन हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आप ऐसा ही हमना अरेस्ट करते रहेंगे। तो मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी हमारे कैडर्स हो या हमारे मेंबर्स आपके पास आएंगे प्रोटेस्ट के लिए, तो लीगली आपको एक हफ्ता या दो हफ्ते पहले इंटीमेशन दिया जाएगा, उसके प्रकार आप हमना क्या है सरकार दो। इंशाल्लाह हमें भी क्या है आपके साथ एवरी टाइम हमें कोऑपरेट करके आपके साथ एवरी पोजीशन में हमने कोऑपरेट किया है। हुबली धारवाड़ के जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, तो आप लोगों का भी हक बनता है हमारे साथ कोऑपरेट करने का, कि हमने प्रोटेस्ट करने का एक हक देना है।